नवरात्रि से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल श्रद्धा MH1 को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूँ मौलिका शर्मा। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्र के इस पहले पर्व पर हम ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जब हमसे जुड़ेंगे तो एक साझा पंक्ति तैयार होगी और वो पंक्ति आपका कल्याण करेगी, क्योंकि इस कार्यक्रम के जरिए कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ज्योतिष जुड़ी अद्भुत जानकारियाँ देंगे, क्योंकि ज्योतिष ने आज समाज में अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। राजा हो या रंक, हर व्यक्ति ज्योतिष जुड़कर अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान करना चाहता है। आज के अपने इस पहली कड़ी में, अपने इस पहले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार नवरात्र पर्व से जुड़कर आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान स्वतः ही कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम आपको एक इवेंट में लेकर चलेंगे जहां पर तमाम कई बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स शामिल हुए, शिरकत की जिन लोगों ने, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम से जुड़कर अद्भुत उपाय भी नवरात्र जुड़े उन्हें हमारे साथ साझा किए। तो चलिए देखते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ अद्भुत झलकियां इस कार्यक्रम में। नई दिल्ली के ताज विवांता एम्बेसडर होटल में अमरोक्षा द डिवाइन हिंदू कैलेंडर लॉन्च किया गया, जिसमें वर्ल्ड रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर ने शिरकत की। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। इसी पंक्ति में ज्योतिषाचार्य विजया जी, आचार्य रूपा बुद्धि राजा जी, पंडित जी डी वशिष्ठ जी, अनिल वत्स जी, HS रावत जी, आचार्य इंदु प्रकाश जी सहित कई बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स यहां शामिल हुए, इसमें हमारे साथ आए और जुड़े। आज हमने इसकी लॉन्चिंग करी है ताज विवांता होटल में और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बड़े अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ और हर साल लॉन्च होता रहेगा एक पंजाब का साल। चार अंग महत्वपूर्ण है, इसमें दुर्गा सप्शती का पाठ किया जाता है, दिव्या अर्गला कीर्तन, तीनों पाठ बहुत उत्तम है, पूरी सप्शती भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें
क्षमा प्रार्थना का सूत्र होता है, 32 देवी की नामों की माला होती है और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और आखिर में अरणी बंधन करें या हवन करें अष्टमी वाले दिन। सभी गृहस्थों को, सभी सन्यासियों को, सभी नतियों को, सभी मुनियों को और सभी ब्रह्मचारियों को, सभी को साधना करनी चाहिए। यहाँ पर आए सभी ज्योतिषाचार्यों ने माँ के नवरात्रों की बधाइयाँ और साथ ही साथ कुछ उपाय भी हमारे साथ साझा किए। माता रानी का जो आशीर्वाद का आभास है आपको इन पूरे नवरात्रों में सुबह शाम दिन रात पूरी तरह से महसूस हो और दाती आपका जरूर जय माता। हमें आशा है आपको हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। हम प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार आपके समक्ष आएंगे रात्रि 10 बजे, जहां पर आप जुड़ेंगे तरह तरह के एस्ट्रोलॉजर्स के साथ, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो रेकी हो। जी हां, हर विषय पर चर्चा होगी हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, लेकिन इस सोमवार से हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, तो देखना ना भूलें हमारा इस खास कार्यक्रम श्रद्धा दर्शन।